है ना। तो ये 12 क्या था, क्या ये 12 एम जी साइन थीटा था, सर। ये एफ क्या था बोलो, म्यू एम जी कॉस थीटा था, बराबर है या तक बराबर है। अरे बोल दो भाई साहब, बराबर। तो अगर आपको थीटा दिया ना रहे, मास दिया ना रहे, तो इसका जनरलाइज केस क्या होगा, समझो जरा। क्या दिया ना रहे, थीटा मास ये सब कुछ भी दिया ना रहे, तो इसका जनरलाइज केस क्या होगा, ध्यान सुनेंगे, है ना, समझिएगा। पहले लिखना मत, है ना, केस नंबर वन है ना, मोशन अप द इंक्लाइन, मोशन अप द इंक्लाइन। बोलो नीचे क्या लगेगा, बोलो एम जी साइन थीटा, भाई बोलो, बोलिए। अरे हाँ इसको सर, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं यार। हाँ सर, एम जी साइन थीटा। हाँ, और एफ क्या लगेगा, बोलो, फ्रैक्शन बोलो, बोलो म्यू एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या लगेगा, बोलो एफ लगेगा, है ना। और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है ना, नहीं सर। बराबर है। हाँ हाँ, अब इस फोर्स से ज्यादा तुम फोर्स बढ़ाओगे तो बॉडी आगे की तरफ मूव करने लगेगी, अभी इक्विलिब्रियम में है। बोलो बराबर है ना बेटा, बराबर है बात। हाँ सर। हाँ, अब सुनो ध्यान से, अब केस नंबर टू की बात करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। केस नंबर टू, अभी लिखना मत कोई, केस नंबर टू मैं यहां लिखता हूं, केस नंबर टू, क्योंकि इसको मैं मिटा देता हूं पहले, रुक जाओ। केस नंबर टू, केस नंबर टू, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, है ना, ध्यान सुनेगा। इसको रेफरेंस लेते हैं, आ जाओ, बॉडी इस तरह से है, नीचे में बोलो एम जी संख्या लगेगा नहीं लगेगा, छूट जाएगा, बोलो ये लगेगा या छूट जाएगा, लगेगा सर। लगेगा। अच्छा, मोशन मोशन तो नीचे हो रहा है ना, तो बोलो फ्रिक्शन पीछे लगा, हाँ सर, हाँ म्यू एम जी कॉस थीटा। यस। हाँ, इसमें मैं इधर ले देता हूं मोशन ना, इधर मोशन है, बराबर, सुनो ध्यान से। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जो जिसको मैंने रेफरेंस लिया था, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो बताओ मुझे ध्यान से, समझो जरा कि इस दोनों केस को, है ना। अब एक काम करें क्या, इसको मैं इधर करता हूँ, उसको इधर कर लेता हूँ, जरा ध्यान सुनो, वो इसलिए करता हूँ ताकि आपको सीक्वेंस में दिक्कत ना हो, बहुत ध्यान सुनेंगे, क्योंकि ये बाद में जब रिवाइज करोगे ना, समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए जो है अभी आपको ढंग से समझना है। आप तो क्या अच्छे से टीचर को भी समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन कराया, तो इस क्वेश्चन का हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ढंग से नोट्स बनाना है, समझो जरा। बोलो ये दोनों केस नंबर वन, केस नंबर टू, बोलो क्लियर है बेटा, सर। ध्यान सुनेंगे अच्छे से। मैं बोल रहा हूं इसमें फोर्स का जो वैल्यू मैक्सिमम कितना है, एफ इज इक्वल टू हो रहा है आपका, देखिए एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, बोलो कोई तकलीफ इसमें, नहीं सर, इसमें एफ का वैल्यू आ रहा है बेटा, देखिए जरा एफ इज इक्वल टू जो नीचे की तरफ जाएगा, है ना, क्या होगा बोलो, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, बोलो कोई तकलीफ, हाँ बराबर है। सर, तो बॉडी अगर रेस्ट पे रहे तो फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए और इससे ज्यादा होना चाहिए, बोलो इसमें कोई तकलीफ है तो बता मेरे को, बोलो बोलो। अगर बॉडी रेस्ट पे रहना चाहता है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को याद कीजिए आप, तो क्या होना चाहिए बोलिए, इस फोर्स से कम होना चाहिए और इससे ज्यादा होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। हाँ अरे बोल दो यार, हाँ क्लियर है, यस केस अच्छे से क्लियर है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्लियर है, यस तो सर, इसका डायग्राम कैसा होगा समझो। मैं पहले केस समझाया, अब डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम इसका ऐसा है, बोलो
बराबर है? हाँ सर। ध्यान सुनो, तो फॉर इक्विलिब्रियम एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू, एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू बोलिए एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोलो होना चाहिए सर। एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, बोलो क्लियर है? तो ये जनरलाइज रेंज ऑफ फोर्स हुआ। क्या हुआ बेटा? जनरलाइज रेंज ऑफ फोर्स हुआ। क्या आपको समझने में इसमें कहीं पर भी जरा से तकलीफ है तो बता मेरे को, ये मत बोलना दोबारा समझाइए, सिर्फ बताओ एग्जैक्टली कहां दिक्कत है, बोलो। नहीं है। किसी को तकलीफ है बताओ, यस एनीवन इज हैविंग डाउट, बोलो यार है तकलीफ है बेटा, बोलो। नहीं है सर। नहीं है तो फटाफट लिखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके लिखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट जनरलाइज केस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट जनरलाइज केस फॉर इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पहले डायग्राम बनाइए फिर केस नंबर वन केस नंबर टू लिखिए, तब इसको लिखिएगा। मैं इसको छोटा ही कर देता हूं ताकि आपको नजर ही ना पड़े उसको। हाँ चलिए, बाप रे बाप, एकदम बिल्कुल गलती मत करना, बिल्कुल भी गलती मत करना, अच्छे से लिखो, सही से लिखो। बेटा हो गया सबका? हो गया, एक मिनट सर, सही से लिखना है ना, गलती मत करना। केस नंबर वन केस नंबर टू, मैं इससे इसमें टाइम लिखने के लिए इतना ज्यादा इससे दे रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मेरी दुनिया में आखे समझाने, यहाँ पे जो है ना डायग्राम में म्यू लिख लो ना, म्यू तो चाहिए। कहाँ जाऊँ
सबका हो गया बेटा, ऑल डन स्टूडेंट्स, बोलो ऑल डन। बाबूलो बोलो यार, मिटाता हूँ ना। यस सर। चलो आइए, ध्यान सुनेगा है ना, बहुत ध्यान सुनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना, बिल्कुल खतरनाक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज इतना टाइम दिया आपको। जो वहां पे छूट गया वो दिख नहीं रहा है, वो मैं दिखा देता आपको। जो एफ का जो रेंज है ना, एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी माइनस सॉरी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना। बोलो यहां तक क्लियर है? तो ये क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम एफ की रेंज है ना, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम रेंज ऑफ एफ। बोलिए बाबू लोग, क्लियर है? हाँ सर। किसी को डाउट है, संदेह है, पूछ लो, बढ़िया से बना करके ब्लॉक्स में बढ़िया से ऐसा घेर लो इसको, बिल्कुल खतरनाक तरीके से याद रखना चाहिए। नाम पूछूं सर भूल गया, लेकिन ये पूछूं तो नहीं भूलना है, है ना। अपना नाम भूल जाओ बट ये नहीं भूलना। रात के 12 बजे रात को उठा के पूछूं, बताओ एफ का रेंज कितना होता है, तो बोलना सर अप द इनक्लाइन डाउन द इनक्लाइन ऐसे ऐसे होता है। बोलो क्लियर है? बाबू लोग बोलिए स्टूडेंट। हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ, दिस इज द मिनिमम फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। आइए ध्यान सुनिएगा, लिखो ओन डिवाइडिंग, लिखो ओन डिवाइडिंग। बेसिकली अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, एनएलएम लगा रहे हैं, ओन डिवाइडिंग लिखो। मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लिख लो समझ में आ जाएगा। ओन डिवाइडिंग, ओन डिवाइडिंग बाय एम, है ना। मास से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो। बोलो यहाँ क्या मिलेगा, बोलो। इट विल गिव यू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, बोलो। इज लेस देन इक्वल टू एफ बाई एम, क्या होता है बोलो। ए इज लेस देन इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, इसका मतलब ये अगर बॉडी, कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे मूव करता है, उसकी एक्सीलरेशन की रेंज ये होगी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मैक्सिमम एक्सीलरेशन वो होगा, मिनिमम एक्सीलरेशन ये होगा। पता नहीं सर ये क्या हो गया। हाँ सर समझ। अगर बॉडी मूव करती है तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन का रेंज ये है। हाँ यस सर। हमने फोर्स तो इसलिए लिया था कि बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो हो ना। हाँ डेफिनेटली, क्या होगा इसमें एफ का रेंज जो है, मिनिमम फोर्स इज ये, मैक्सिमम फोर्स इज ये। तो जब बॉडी मूव करता है तो एफ नेट क्या होता है बोलो, नॉन जीरो होता है। हाँ सर। हाँ, जब नॉन जीरो होगा तो उसका जो वैल्यू होगा ना, रेंज जो उसका, जो आपका जो रिक्वायर्ड जो वैल्यू होगी ना, वो उस तरह से होगा करस्पॉन्डिंग टू, इससे कम होएगा वो। अगर आपको दिक्कत हो रही है वापस से, तो लास्ट क्लास में जो हमने टेबल बना के समझाया था, पूरा कम से कम 10-15 मिनट लगा था, उस टेबल को स्टडी कीजिए, समझ में आपको आएगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू इससे कम नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है सर। क्लियर है? हाँ सर। बाबू लोग ये कम है, जब बॉडी मूव करेगी, अगर करेगी तो एक्सेलरेशन का रेंज क्या होगा, मिनिमम वो पॉसिबल है, मैक्सिमम ये पॉसिबल है। जब मूव करा ही नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो है। मैं समझा? समझा सर। मैं समझा। अगर मूव करा ही नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन अगर मूव किया तो एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू ये होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। कब? जब इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तो। बोलो मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ यस सर। इजी है, डिफिकल्ट है सर? पर वो ऊपर वाला फोर्स तो जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो के लिए है ना। अरे इक्विलिब्रियम यार। हाँ जब नोट लिखाता हूँ ना बेटा, पूरा लिखो यार, मैंने प्रीवियस में ही लिखा, यहाँ पे लिखा अभी ना, फॉर इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं? बोलो। समझा समझा। हाँ चलिए आगे बढ़े। बोलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बता रहा हूं।
कुछ पूछना है तो पूछो, अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कई बार। बोलो, डिफिकल्ट है, इजी है या कंसेप्चुअल है? कंसेप्चुअल है। हाँ चलिए आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। हाँ सर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिख रहा है आपको 53 डिग्री 2 केजी म्यू 0.4 45 डिग्री रूट टू 20 रूट टू। अगर कोई बहुत ज्यादा ही बड़ा फोर्स लगा है ऊपर तो भी उसका एक्सेलरेशन इस रेंज में होगा? हाँ। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, बोलो। याद तो हो गया होगा ना, इधर कितना बोलो 16? हाँ। इधर कितना बोलो 12? अरे बोल दो यार। हेलो 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 हेलो, माइक चेक, आवाज आ रही है क्या सर? 12 न्यूटन होगा नीचे की तरफ। हाँ सर, 12 नीचे 12 होगा, ऊपर वहाँ पर 16 होगा। उल्टा बोल दिया क्या? हाँ सर, 53। हाँ यहाँ 12 हो जाएगा। हाँ 53 सही बात बोल रहा है, यहाँ पे 6 होगा, 16। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका मतलब आपका दिमाग चल रहा है। जाओ 20 रूट 2 का cos 45 कितना होगा? 20। अरे क्या लिखता हूँ, 20 है ना। इधर क्या होगा 20 साइन 40 रूट 2 मतलब 20 हो जाएगा। बोलो वापस से, ऊपर में क्या लगा? बोलो n लगा है ना। बोलो क्लियर है? हाँ सर। बोलो क्या होगा? बोलो n प्लस 20 क्या लगा? बोलो n प्लस 20 इजी बोलो क्या लगा? पा रहा है? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्या हुआ? n प्लस 20 है सर। n प्लस 20 आपका 12 लिखा है सर। अरे हाँ, अरे बुढ़ा हो गया मैं। बोल एन प्ल, अरे हाँ एन प्लस 20 इज इक्वल टू 12 ना। हाँ बोलो क्या हो रहा है? बोलो एन इज इक्वल टू कितना हो रहा है? बोलो माइनस 8। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? बॉडी कांटेक्ट में है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। देखो बॉडी इज नॉट इन कांटेक्ट, लिख लो बॉडी इज, क्योंकि नॉर्मल नेगेटिव में थोड़ी हो सकता है। नेगेटिव मारा का मतलब बॉडी कांटेक्ट में ही नहीं है। इज नॉट इन कांटेक्ट, नॉट इन कांटेक्ट, कांटेक्ट विद द सरफेस, विद द सरफेस। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू 0। फिक्स हो गया, 0 हो गया सर। समझ में बिल्कुल भी नहीं आया क्या हो रहा है? समझ में आ गया सर। और इधर लगा 20, इधर लगा 16 है ना। मास कितना है? 2 किलो। तो ए आएगा बोलो 20 माइनस 16 डिवाइड बटे 16 बाय 2। तो फ्रिक्शन कहाँ गायब हो गया सर? कांटेक्ट में नहीं है ना सर। हाँ तो 20 माइनस 16 4 बटे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आती है या नहीं आती है? हाँ सर समझ गया। इजी है टफ है? बोल इजी है सर। बहुत फर्जी है क्या? हाँ। अरे बोल दो यार। अरे एक डाउट है सर। हाँ बोलो सर। अगर हमने ये इंक्लाइन प्लेन के एंगल पे एक पैरेलल एक फोर्स लगाया जो बहुत ज्यादा है,
तो सर उसका एक्सेलरेशन का रेंज कैसे होगा? क्या हो गया? अगर हमने एक बहुत ज्यादा फोर्स लगाया ये प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, तो फिर उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना? नहीं, उसका उसका जब f वो मान ले तुमने कुछ ज्यादा लगाया, कोई वैल्यू लगाया ना, 100 लगाया, तो उसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी ना। अगर तुम जो है जनरलाइज की बात नहीं कर रहे हो, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू लेते हो फोर्स एफ का, 100 न्यूटन, 20 न्यूटन, 200 न्यूटन, 1,00,000 न्यूटन, 1,00,000,000 न्यूटन, उसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन? उसका रेंज तो आएगा थोड़ी, रेंज तब आएगा जब अपन बात करेंगे हाँ फोर्स इतना से इतना लगाएंगे तो क्या होगा। सर तो इसके पहले आपने वो कैसे निकाला एक्सेलरेशन का रेंज? नहीं, मैक्सिमम क्या पॉसिबल था वो, अगर एफ जो है, जो एफ जनरलाइज अगर एफ है, तो एफ अगर उसको विद इन द लिमिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स mg sin theta plus mu mg cos theta था, और मिनिमम फोर्स अगर आपका mg sin theta minus mu mg cos theta इस तरह से अगर है, तो उसके corresponding acceleration का रेंज वो होगा। अगर आप value of force f fix कर देते हो, तो you will having a fixed value of acceleration। हाँ सर अभी समझा, ठीक है ना, रेंज तो बात तब करेंगे ना जब अपन जनरलाइज चीज की बात करेंगे। अगर आप स्पेसिफिक हो जाओ, जैसे आपने पढ़ा भी होगा ना इसमें, मैथ्स में भी पढ़े होगे ना रेंज एंड डोमेन, जैसे साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। अरे बोलो यार, न्यूमेरिकल, अदरवाइज इट इज -1 ना, 0 समझो, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। या फिर तुम कहे तो विद साइन बोलो तो -1 होता है मिनिमम, मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। तो -1 से 1 बात तब करेंगे ना जब हम थीटा जनरलाइज करेंगे। हां सर समझा। इफ आई आस्क यू साइन 45 कितना, तुम क्या बोलोगे? 1/√2, उसके लिए रेंज थोड़ी बोलोगे। तो रेंज की बात तब आती है व्हेन यू से अबाउट द जनरलाइज कंडीशन। अगर आप स्पेसिफिक हो जाते हो तो आपका आंसर भी स्पेसिफिक होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। लिखिए, जल्दी करो बेटा। हो गया, सबका डन हो गया। बोलिए, हो गया क्या? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, सवाल लिखो। जल्दी कीजिए, एक्सेलरेशन नहीं होएगा क्या? क्या पता, देखते हैं ना, कैलकुलेट करो, ऐसे रैंडमली मत बोलो यार, तुम लोगों का कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है। सर आया, मतलब
आंसर निकाला नेगेटिव आ रहा है एक्सेलरेशन क्या रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है इसलिए नेगेटिव आ रहा है ऐसा कैसे बोला जीरो आया हां मतलब इसलिए एक्सेलरेशन जीरो बोल दिया मैंने पर तू मार खाएगा प्रिंस ये प्रिंस तू मार खाएगा सर बॉडी पीछे नहीं जा सकता ना अभी ये जा रहा है नेगेटिव आ रहा है फिर जीरो आ रहा है जीरो 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 आ रहा है फिर नेगेटिव तरह कैसे आ रहा है फिर सर वो मैं बोला फ्रिक्शन ज्यादा हो गया सर चल आओ बोलो इधर कितना लगा बोलो सोलह इधर कितना लगा बोलो बारह बारह हाँ इधर टेन का है ना बोलो क्या करेंगे टेन को 37 ना ये बोलो टेन को 37 कितना होगा बोलो आठ एट अरे बोलो यार हाँ इधर कितना बोलो टेन साइन 37 कितना बोलो सिक्स सिक्स ठीक है तो बताओ एन कितना हुआ एन बोलो इधर तेरा एन लग रहा है ना तो एन इज इक्वल टू हुआ तेरा सिक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू 22 तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू हो गया 0.5 इंटू 22 तो इज इक्वल टू 11 न्यूटन बराबर है अब यही लग रहा है ना यस सर यस सर हाँ मैक्सिमम इतना ठीक आप देखो जरा दो केजी का ब्लॉक है नीचे लगा 12 है पीछे लगा 8 बोलो बॉडी को रोकने के लिए कितना चाहिए 4 बॉडी को रोकने के लिए हाउ मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड अरे कोई बोल नहीं रहे यार 4 सर 4 मैं कैसा इंसान है तुम लोग यार मैं गुस्सा क्यों दिला रहा है बोलो नीचे लगा 12 ऊपर लगा 8 तो कितना फोर्स चाहिए इसको रुक जाएगा 4 न्यूटन 4 चाहिए इधर चाहिए ना इधर सर बोलो इसकी औकात कितनी है 11 है इसकी औकात से नीचे है कि औकात से बाहर है नीचे इसका मतलब कितना लगेगा 4 4 लगेगा बॉडी रुकी है चली की सर रुकी ये 0 आ गया यस सर अरे प्रीवियस क्लास में किसी को एक क्वेश्चन वापस से पूछ दिया है तुम लोग यार पता नहीं कैसे पढ़ते हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम लोग पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे जो बच्चे का आंसर नहीं आया समझ लो आप गलत ट्रैक में चल रहे हो आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो चलिए आगे बढ़े चलिए सवाल लिखिए ब्लॉक को देखिए 5 केजी है म्यू 0.2 एंगल 37 डिग्री फोर्स एफ लगाया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच ब्लॉक इज इन इम्पेंडिंग स्टेट इम्पेंडिंग स्टेट का मतलब क्या होता है सर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ना एफ नेट 0 एक्सीलरेशन 0 है ना हां सर
जल्दी कीजिए, कुछ तुम लोग क्या कर रहे हो यार? 10.8 कितना है बोलो? 10.8 एक मिनट देखता हूँ, फ्रैक्शन में कितना? 250/23 यस सर। हाँ सही है। हाँ सर। 250/23 सर आ गया। 10.8 हाँ ठीक है, कुछ करना थोड़ी है। बोलो क्या होगा? F cos 37 कितना होता है? F into बोलो 4/5 कितना बोलो? F into 3/5 ओवर में n लग गया, नीचे में mg लग गया 50 है ना, n प्लस f into 3/5 इज इक्वल टू 50 हो गया, n इज इक्वल टू हो गया तेरा 50 माइनस f into 3/5 दैट्स इट। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया तेरा म्यू n म्यू इनटू दिस, म्यू कितना है तेरा 0.2 है, इनटू 50 माइनस f into 3/5 and it must be equal to for impending state it must be equal to ये 4, इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं, f into 4/5। ठीक है, सिंपली मैं कहिए f equal कितना आएगा बोलो? 250/23 आएगा। कितना आ रहा बेटा? 10.8 ना? यस सर। हां ओके, दैट्स इस तरह से। ठीक है बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट बोलो यार। बोलो आप सुनिए ध्यान से। कल आपका टेस्ट भी है इसलिए और ज्यादा नहीं कराऊंगा, तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन क्लास टेस्ट के बाद से वापस रिवाइज कर लेना, अदरवाइज भूल जाओगे। सुनो ध्यान से, अपन जो है मैं बोला था कैंडल लेके आने के लिए, तो अपन कैंडल वाली जो बात है ना, तो आपका क्लास अभी 5:15 से 7:15 को है, तो 7:15 तक आप क्लास ले लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, और फिर 7:25 को एकदम बिल्कुल पॉजिटिवली सब बच्चे दिखना चाहिए मुझे, जितने बच्चे भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सब बच्चे दिखना चाहिए, बस 5 मिनट के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो 7:25 के लिए मैं आपको वापस से ग्रुप में लॉगिन आईडी भेज दूंगा, वापस से आप सब बच्चे जुड़ जाइएगा, कैंडल है तो कैंडल के साथ, कैंडल अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब बच्चों को जुड़ना है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, और कल का टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, जैसे मैंने सिखाया हूँ वैसे करिएगा, प्रोसेस को इन्वॉल्व कीजिए, रिवीजन